हरियाणा में बिल्डर्स और ये जो लॉबी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका धंधा जो मेरे को सुनने में आया, 5,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया दिया इन्होंने, बिल्डर्स ने। और क्या किया हरियाणा में इन्होंने, स्टेट प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी 12th सेक्टर में। ये स्कैम है, बहुत तगड़ा स्कैम है, जो कि जो मैं सेंटर में देख रही हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम, वही सेम यहाँ पे भी स्कैम है, बिल्डर्स का और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, जबरदस्त नेक्सस है। और सर, हमारी मिलिट्री स्ट्रांग हुई है, मोदी जी ने काम बहुत अच्छे भी किए हैं, बट सिर्फ ये है कि इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। मैम आप कहाँ रहते हैं? मैं पंचकूला। अभी कहाँ जा रहे हैं, जर्नी कहाँ के लिए? सहारनपुर। बताइए पंचकूला में आप अभी वोट नहीं पड़े? नहीं नहीं। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही हूँ। इंडिया गठबंधन। अच्छा, अभी हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा का शासन है और सेंटर में भाजपा का शासन 10 साल से, आप इसे क्या कैसे बात कर रहे? मैं बताती हूँ, जो मैं अभी सेंटर में देख रही हूँ ना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा हुआ है, मतलब वही सेम हरियाणा में है। हरियाणा में बिल्डर्स और ये जो लॉबी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका धंधा जो मेरे को सुनने में आया, 5,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया दिया इन्होंने, बिल्डर्स ने। और क्या किया हरियाणा में इन्होंने, स्टेट प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी 12th सेक्टर में, तो पंचकुला में। हाँ। उसमें आप पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के नई बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, और जिसकी वजह से जैसे मेरा घर है, तो हम मेरे साथ वाले मकान में स्टेट प्लस 4 बना, तो मेरे घर में पूरे क्रैक्स आ गए, 17 दीवारें हैं टोटल, 3 मंजिले बना हुआ है, टॉप फ्लोर बिल्कुल डैमेज है। और जो इनकी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट है, वो कहते हैं जी 11 दीवारें तोड़ के दोबारा बना दो, और जो एस्टिमेट दिया 3,48,000 का, तो इनसे पूछो 3,48,000 में 11 दीवारें टूट के दोबारा बन जाएंगी। अच्छा, मैम मैंने सुना है कि उसमें तो स्टे ले लिया जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, कोई स्टे नहीं हुआ, मतलब चाहे स्टे ले भी लिया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जो नक्शे पास हुए हैं वो अभी भी बन रही हैं बिल्डिंग्स, कितने मकान टूट गए, 200 से ऊपर मकान डैमेज हुए हैं। तो ये सरकार को चाहिए था कि अगर ये इतने डैमेज हो रहे हैं, जो नक्शे पास हुए हैं उनको कैंसिल करते, क्यों इन्होंने अलाउ करा है? तो जानबूझ के इन्होंने हम लोगों को परेशान किया है। मैं विडो हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 4 महीने में, बेटी की मैंने मैरिज करी 8 दिसंबर को, मैंने उसकी विदाई करी 9 दिसंबर को, 15-20 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। और 4 महीने मैं मंजी से नहीं उठी, जब 4 महीने उठ के मैंने देखा मेरा घर पूरा क्रैक था, ठीक है, 9 मई को मैंने हुड्डा में कंप्लेंट की, आज तक 2 साल हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि चीफ मिनिस्टर खट्टर का ऑर्डर है कि जब तक एडजॉइनिंग हाउस की रिपेयर नहीं होती, डैमेज ठीक नहीं होता, तब तक ये बिल्डिंग आप बनने नहीं दोगे, रोकोगे इसको, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद मेरे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है, और वो बिना ऑक्यूपेशन लिए शिफ्ट हो गए उस मकान में, ठीक है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हुड्डा ने इसका मतलब ये कोई नेक्सस है? बिल्कुल ये नेक्सस है, ये स्कैम है, बहुत तगड़ा स्कैम है, जो कि जो मैं सेंटर में देख रही हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम, वही सेम यहाँ पे भी स्कैम है, बिल्डर्स का और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, जबरदस्त नेक्सस है। और जो HSV के मतलब कार्यकर्ता है, स्टेट ऑफिसर है, CA है, एडमिनिस्ट्रेटर है, JE है, और जो SDO है, ये सब मिले हुए हैं, ये पैसे लेते हैं इनसे, ऑक्यूपेशन देते हैं इनको, और सारी वायलेशंस करी हुई हैं इन्होंने बिल्डिंग में, इतनी ज़्यादा वायलेशंस हैं जो कि नज़रअंदाज की जा रही हैं। और 2 साल से हम, मतलब जितने भी आप देखोगे ना, सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो थक्के खा रहे हैं 2 साल से, हुड्डा के चक्कर खा रहे हैं। और मैं बींग अ लेडी, बींग अ विडो, मतलब जैसे मतलब मणिपुर में आपने देखा, मणिपुर में हुआ वैसे ही इन्होंने
जो स्टेट ऑफिसर था गगनदीप सिंह, उसने मेरी सारे स्टाफ के सामने इतनी बेइज्जती करी। मैंने बोला 40 से 50 लाख का खर्चा है मकान को तोड़ के मतलब रिपेयर करने का, वो उसने मेरी सारे स्टाफ के सामने बेइज्जती करी। ये बोला कि 40-50 लाख है ना, लिखवा के लाओ आप, तो मैं वो आपको सेंक्शन करूंगा 40-50। इतनी इसने मेरी बेइज्जती करी। इसमें खट्टर सरकार पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, जिसको ये नहीं पता चला कि इतने घर टूट रहे हैं। अच्छा, मैम एक चीज बताइए, चलिए अगर इस तरह की चीजें जो हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन है, हाँ, उनके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, हाँ, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? उन्होंने पहले मतलब इवन जो वीपी सिंह मलिक हैं, जो वीपी मलिक, इन्होंने सब ने जनरल मलिक, इन्होंने सब ने पहले मूवमेंट शुरू करी, बीच में ही छोड़ दी। पता नहीं ये गवर्नमेंट के साथ मतलब वीपी मलिक की नहीं मैं बात करती, जो आप वेलफेयर एसोसिएशन की बात कर रहे हो, कोई आगे नहीं आया क्योंकि किसी का मकान नहीं टूटा। ठीक है, मेरे केस में मेरे सेक्टर का वेलफेयर एसोसिएशन ने मुद्दा उठाया। कौन से सेक्टर में रहते हैं आप? 10 सेक्टर में, 809 नंबर है मेरा, 10 सेक्टर में उन्होंने मुद्दा जरूर उठाया, पेपर्स में दिया काफी। मैं तो ये हरियाणा गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, खट्टर को मतलब जो खट्टर था मतलब उसका जो सर्कुलर है उसको नजरअंदाज ये जो हुड्डा के एम्प्लॉयज कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब खट्टर गवर्नमेंट भी साथ थी, मतलब इतने अखबारों में केसेस आए, इतने मकान टूटे, वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। चलिए मैम, मैं आप ये तलाश में थी कि मैं ये बोलूं, और इतना बुरा हाल है, मतलब मैं तो कहती हूँ कोई भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट ना दे, इतनी गंदी सरकार है ये, इतनी गंदी सरकार है, मतलब जो इन्होंने सेंटर में किया वही हमारे साथ हरियाणा में मेरे साथ हुआ है, शायद अगर ना हुआ होता तो मुझे पता ही ना चलता। ठीक है मैम, कैसे हैं सर आप लोग? बढ़िया सर। अभी कहाँ जा रहे हैं? सर हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली, और रहने वाले कहाँ के? यमुनानगर। तो यमुनानगर में तो अभी चुनाव नहीं हुए? नहीं हुए जी। कब होंगे? अभी लास्ट में होंगे, यमुनानगर में, हरियाणा में सबसे लास्ट में है। लास्ट में, तो क्या किसका जोर चल रहा है अभी? अभी जोर तो कुछ नहीं कह सकते जी, वैसे मिली जुलाई चल रहा है। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले सर? यमुनानगर जी। अरे वाह, तो खट्टर जी ने 10 साल में और मोदी जी ने 10 साल में कैसे काम किए? अरे काम तो अच्छे किए हैं। अच्छा, पर बिजनेस नहीं दिया। बिजनेस नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। रोजगार नहीं है। महंगाई सर? महंगाई तो पूरी हालात की है जी। अच्छा, तो अभी एक चीज बताओ, किसे ला रहे हो? राहुल को मौका दे रहे हो? नहीं, अभी किसी को नहीं मौका दे रहे जी, तो ये तो सरकार अपन पब्लिक है, कभी किसी की तरफ भी हो सकती है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी किसको इस बार किसे मौका दोगे? देखो ये अगर आप आम आदमी पार्टी भी है, उसके अलावा देखो अगर लुधियाने में पंजाब में काम कर रही है तो इससे भी बढ़िया होती है। सर एक चीज बताओ, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र छेड़ दिया, तो ये बताओ केजरीवाल जी अभी जेल में है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने करप्शन किया है, मोदी जी ने उन्हें जानबूझ के? जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अभी तो पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान जी की, कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है सर। अच्छा काम कर रही है, तो बिजनेस दे रही है, सारे बेरोजगारों को रोजगार भी दिया है। अच्छा, रोजगार से आप क्या समझते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है या? नहीं, हम कहते हैं एक इंडस्ट्री लग जाए, एक शहर में एक इंडस्ट्री लगे जिसमें बेरोजगार बच्चे जिनके हुनर है उनको बेरोजगार के ना रोजगार मिले। एक चीज और बताइए, अभी आप जो पंजाब में जो किसानों ने धरना दिया हुआ है, कि इनकी मांगों से क्या बोलोगे आप? सही है, कई जगह गलत भी है। अच्छा, नहीं जगह गलत भी है, जैसे कहते हैं हमें कहना सर पेंशन चाहिए, बिजली चाहिए, तो सर ऐसे तो गवर्नमेंट अगर सारी चीज फ्री देने लगेगी तो कैसे चलेगा देश? बिजनेस चलेगा नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। हालांकि कुछ चीजों में सब्सिडी भी दे रखी किसानों को, है सब कुछ, तो फिर ये पंजाब के किसान ही सबसे ज्यादा हंगामा क्यों करते हैं सर? अरे ऐसा देखो, सारे देश के कर रहे हैं, जिसके खुशहाल वो कुछ भी नहीं बोल रहा, जो खुशहाल नहीं है हमारे जैसा हम भी घूम रहे हैं। पंजाब के किसान तो खुशहाल किसानों में गिने जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें ऐसे क्या, बीच में जो इन्होंने 3 कानून लाए थे जिन्हें काला कानून बता दिया था किसानों ने, उनमें क्या एक भी चीज सही नहीं थी? सर जी ऐसा भाई बात, जिसके लिए जिसकी लाठी उसी की भैंस है। पंजाब के सबसे ज्यादा युवा ना कनाडा जाते, वो तो यही बात है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा कनाडा से अभी पिछले कुछ दिनों से रिश्ते खराब चल रहे,
कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, ये भी था ना, देखो अगर उसने क्या नाम है अमेरिका में, उन्होंने वहाँ पे दी, यूएसए में वहाँ पे उसे सब्सिडी। सर जो निजर ने, निजर की जो हत्या हुई थी मतलब वहाँ कनाडा में हुई थी ना, हाँ जी, तो उस पे आप क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट यहाँ के कुछ, क्योंकि वो उन्होंने बोला कि भारत ने करवाई उसकी हत्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, पिछले दो सालों में 20-21 आतंकवादी को मार दिया इन्होंने, मतलब मर गए, तो पाकिस्तान अमेरिका कनाडा ये बोल रहा है कि भारत की सरकार ने 2019 के बाद अपनी पॉलिसी चेंज कर, भारत के दुश्मन है उन्हें इनकी गवर्नमेंट एजेंसी। देखो हमारी मिलिट्री स्ट्रांग हुई है, ये नहीं कह रहे नहीं हुई, सर हमारी मिलिट्री स्ट्रांग हुई है, मोदी जी ने काम बहुत अच्छे भी किए हैं, बट सिर्फ ये है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। ग्वालियर? ग्वालियर रहने वाले कहाँ के? ग्वालियर की रहने वाले। ग्वालियर के रहने वाले, तो ये बताइए एमपी में बढ़ता है ग्वालियर, कैसा डेवलपमेंट है वहाँ? क्या जी, गवर्नमेंट का काम कैसा चल रहा है वहाँ? गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है जी, जो बीजेपी सरकार है अपनी बहुत अच्छा काम कर रही है जब से आई हुई है आज, और हमारा जी वो है कि हम बीजेपी को ही वोट देते हैं, आगे भी बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा एक चीज बताओ।